हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करे जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल ऑपरेटर है, तो मैं टेबल में ड्राइंग करके जाता हूँ। तो अपने मन अपने स्क्रीन में देखी पाता ना, मैं लेफ्ट हैंड ले हूँ, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लो जाए लेफ्ट हैंड में, या अपने मन थोड़ा बाहर से पूछ पाओ बोल के। तो आपने मन देखे कि बाबा ने मन जो लिटिल फिंगर है तो मैं 0 डिग्री लिख लो, और थिंग फिंगर सॉरी रिंग फिंगर फिंगर टाके मैं 30 डिग्री, और मिडिल फिंगर टाके मैं 45 डिग्री दिलो, और इंडेक्स फिंगर टाके मैं 60 डिग्री, और थाम फिंगर टाके 90 डिग्री। तो फॉर्मूला है गले साइन बाय इज इक्वल टू रूट बाय टू गले, तो टू बाय ने तो लिटिल फिंगर के नीचे में किया है 0 आया है ना, कोनो नहीं है, तो मतलब भीतर में की लिखम 0/2, ওটাকে আমি দিবি সাম করবল কি পাম 0, তো আমার आंसरটা পাই গেল 0। এন্ড নেক্সট সেম প্রসিডিউরস আই আমি যে কোন রিং ফিঙ্গার আছে ওটাকে আমি বেন্ড করব, তো ওটাকে আমি সেম পহেলা যখন যখন লিখলো 0 30 45 60 90 সব ফিঙ্গারটাকে নাম দিলাম, তো আমি যখন রিং ফিঙ্গার বেন্ড করলো তো ওকে নিচে আমি কি হয় একটা ফিঙ্গার আছে, তো বলকি আমি কি রকম সাইন 30 ইজ ইকুয়াল টু রুট বাই 2, তো রুট কে আন্ডার আমি কি লিখম মই 1 লিখম, তাহলে তো ওকে আমি যখন সাম করম কি পাম 1/2, তো ওকে আনসার হয়ে গেলে 1/2। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कोई 45 ने, तो 45 से नीचे में कितने फिंगर है, 2 फिंगर है, बल्कि मैं रूट के भीतर में की लिख लो 2, तो यानी क्या देखिए तो रूट ऊपर में रूट 2/2 के भीलू हो जाए कि रूट 2 × √2 कर लेकिन हुए 2 है ला, बल्कि मैं √2 × √2 लिख लो ने, तो ऊपर नीचे में जब कैंसिल कर √2 √2 बच ले कि तो 1/√2, तो आने के आंसर पाई जाए कितना 1/√2, এটা হয়ে গেলে সাইন 45 ডিগ্রির আনসার। নেক্সট হানি দেখি পাবই না সেম মই মাফ লিখম ফিঙ্গার টাইমে 0 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি 45 ডিগ্রি 60 90 হয়ে গেলে, তো মই এই সময় ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা বেন করে রাখো, নিচে মই মই কেটা ফিঙ্গার হ্যাঁ 3টা ফিঙ্গার হ্যাঁ, তো 3টা ফিঙ্গারটাকে তুমি কি লিখো ভিতর মে, তো সাইন 60 ইকুয়াল টু √3/2, তো এটা আমি সাম এটা ব্রেক করে না পারে ডাইরেক্টলি লিখম √3/2, এক আনসার। তো আমি নেক্সট স্টেপ মে দেখবাই কি আমি থাম ফিঙ্গারটা বেন করি, তো ওকে থাম ফিঙ্গারটা কি রিপ্রেজেন্ট করাইলা 90 ডিগ্রি রিপ্রেজেন্ট করাইলা, তো সেম কেস মই লিখলো 0 30 45 60 90, তো থাম ফিঙ্গার সে নিচে মে কেটে ফিঙ্গার আছে 4টা ফিঙ্গার আছে, তো সাইন 90 না ইজ ইকুয়াল টু কি হয়ে যায় √4/2 হয়ে গেলে, তো √4 কে ভ্যালু কি হয় 2/2 হয়ে গেলে, এটা ক্যান্সেল করে কত ভ্যালু পাবো 1 না, মই মা কি লিখো 1। তো আপনি মন দেখি পাতে স্ক্রিন মানে সাইন কে সব ভ্যালু মই লিখলা হয়, তো যেরকম সাইন কে ভ্যালু লিখলা হয় না, তো সাইন কে ভ্যালুটা আনে রিভার্স ফর্ম মে লিখবো, যেরকম সাইন 90 ওকার ভ্যালুটা কি মে হয়ে যায় কস 0 ডিগ্রি মে, তো কস 0 ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু 1, কস 30 ইজ ইকুয়াল টু √3/2, কস 45 ইজ ইকুয়াল টু 1/√2, আর কস 60 ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু 1/2, আর কস 90 ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু 0। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने देखी पाते साइन का वैल्यू हमने लिखे सॉरी टेन का वैल्यू हमने लिखे जा ना, तो टेन का फॉर्मूला है क्या ना साइन बाय कॉस्ट, तो साइन और कॉस्ट के डिवाइड कर लाने की पावे टेन के वैल्यू पावे, जीरो जीरो को टेन 0 डिग्री ना, तो साइन के वैल्यू है साइन के 0 डिग्री का वैल्यू है 0, और कॉस्ट के 0 डिग्री वैल्यू है 1 ना, तो 0/1 ना, तो के वैल्यू हो जाए 0 है, तो हमने की को भी ना 0 लिखो दे। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में देखे पाती ना 10/30, तो साइन के वैल्यू है 1/2, और कॉस के वैल्यू है √3/2, तो 2 कैंसिल और बची की 1/√3, तो के हमने के 10/30 के डिंग वैल्यू हो जाए
रोटरी। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिख भाई 10:45। तो साइन के वैल्यू है 1/2 और कॉस को वैल्यू है 1/2। तो दोनों टा कैंसिल हो जाए ना, तो दोनों टा कैंसिल करा नहीं कितना पावे को वैल्यू 1 पावे, तो कर वैल्यू आ जाते 1। नेक्स्ट स्टेप हो जाते हानि के 10:60 डिग्री ना, तो साइन के वैल्यू है √3/2 और कॉस के वैल्यू है 1/2। तो इस समय यानी कि को भाई 2 कैंसिल कर ले पाची की √3/1 हो ला, तो कुल √3 लिख ले हो जाए वैल्यू। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने देखे पाती 10:90 ने, तो साइन के वैल्यू है 0 और कॉस के वैल्यू है 0, फिर डिवाइड कर लो अनडिफाइंड। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने देखो भाई कोसेक करना, साइन के ऑपोजिट की लगे कोसेक ने, और साइन के जितना वैल्यू है तो ऑपोजिट फॉर्म में लिखो, तो 0 के रूप में ऑपोजिट की है अनडिफाइंड हो जाए। तो साइन कोसेक 30 डिग्री ना, साइन के 30 डिग्री यह है कि है 1/2, ऊपर ऑपोजिट लिख ले की है 2/1 है, तो ऊपर 2 लिखा जाए। और साइन के 45 1/√2 है, तो फिर वैल्यू है ओनली √2 ने। तो साइन 60 फिर वैल्यू है √3/2 है, तो जो √2/√3 है 1 के ऑपोजिट की है 1 है भाई। तो आपने मन देखे पाता ना हमें नेक्स्ट स्टेप है सेक ने, ओके हमें भी वैल्यू निकलेगा। तो की भला कॉस के ऑपोजिट की हो जाएला सेक हो जाता है। तो आपने मन देखे पाता कॉस के कॉस 0 डिग्री के वैल्यू हो जाता 1 और कॉस 30 डिग्री है √3/2 है, तो आने के की हुआ 2/√3 और cos 45 का 1/√2 है, तो के वैल्यू हो जाए ओनली 2 ने। cos 60 डिग्री का 1/2 का वैल्यू हो जाए 2 और 0 का ऑपोजिट की हो जाए अनडिफाइन हो जाए। तो मैं यहां लिख पा के अनडिफाइन लिख के जाता हूं अगले। तो आने के नेक्स्ट स्टेप आया cot के ना, cot का ऑपोजिट किया ना सॉरी tan के ऑपोजिट किया है क्या cot है ना। तो हमने इस समय देखो cot के वैल्यू लिखो लाया, तो सॉरी नहीं कोट के वैल्यू नहीं टेन के वैल्यू लिखो ला, टेन के कौन वैल्यू टाके लिखे टेन के जनता वैल्यू है उठानी कोट में ऑपोजिट करके लिख पे। तो कोट में की है कोट 0 यानी 10 0 डिग्री, अगर 0 के ऑपोजिट को लिख की हुए अनडिफाइंड ने। अनडिफाइंड हो गई। तो हाँ नेक्स्ट 10 के 30 डिग्री 1/√3 है, तो वही √3 है 1 के ऑपोजिट की हुआ ले हुए और √3 के ऑपोजिट की हुए 1/√3 ने, और अनडिफाइंड के ऑपोजिट की हुए 0। तो हाँ कि टोटली कंप्लीट हो गई स्क्रीन में देखे अपने मन देखे पाता। तो